दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को खतरनाक ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने ठोके 36 गेंदों पर 154 रन तो सैम उठा पूरा ऑस्ट्रेलिया का खेमा। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट की तैयारी से पहले रविंद्र जडेजा ने अभ्यास सत्र में तूफानी प्रदर्शन कर दिया है। रविंद्र जडेजा ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की जिसके सामने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की एक न चली, तो वहीं इनकी बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के भी होश उड़ गए हैं। तो आखिरकार रविंद्र जडेजा ने किस प्रकार से तूफानी बल्लेबाजी की, यह तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ रविंद्र जडेजा के तूफानी प्रदर्शन का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल में कौन है खतरनाक ऑलराउंडर? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बेहतरीन तरीके से खेली जा रही है, जहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दो मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से जोर से जलबोर्ड और डेविड वार्नर के बाद अब टीम के कप्तान पैट कमिंग्स भी बाहर हो चुके हैं, जहां पर अब पैट कमिंग्स से बाहर होने की खबर सामने आई है। जहां पैट कमिंग्स अपनी मां की तबीयत खराब हो जाने के कारण टीम से बाहर तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए हो चुके हैं, जिसके बाद अब भारतीय टीम को और भी ज्यादा मजबूती मिल चुकी है। लेकिन अब भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम की कमान स्टीव स्मिथ संभालते हुए दिखाई देने वाले हैं। स्टीव स्मिथ के कप्तान बन जाने से भारतीय टीम कमजोर दिखाई दे रही है। तो वहीं तीसरे मुकाबले के लिए मिचेल स्टार्क और ग्रीन की वापसी हो सकती है। तो वहीं तीसरा मुकाबला 1 मार्च को इंदौर के मैदान पर खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार हो चुकी हैं, जहां पर इस मुकाबले से पहले रविंद्र जडेजा का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला है। दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने हर तरफ छक्के और चौके की बारिश करते हुए अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया, जहां पर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दिखाया कि किस तरीके से हर कोई गेंदबाज बेहतर बल्लेबाजी कर सकता है। हालांकि रविंद्र जडेजा तो बल्लेबाज नहीं है, लेकिन ऑलराउंडर हैं और उनको बल्लेबाजी करने में काफी ज्यादा आनंद आता है। ऐसे में रविंद्र जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी से दिखा दिया कि उनके सामने और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का भी बुरा हाल होने वाला है। दरअसल रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों पर 154 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त तरीके से चारों तरफ छक्के और चौके बरसा दिए, जहां उन्होंने 15 चौके और 15 छक्के लगाए, जहां पर छक्के और चौके की मिलाकर 150 रन पूरे हो गए। तो वहीं 4 रन इन्होंने सिंगल के साथ ले लिए। इसके अलावा एक गेंद इन्होंने सिर्फ खाली खेली और एक गेंद पर अपना विकेट भी दे दिया। रविंद्र जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान अपना खाता पहली गेंद पर चौका लगाकर खोल दिया और इसी अंदाज से आगे बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक छक्के के साथ पूरा किया। यह तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने इसी अंदाज में आगे बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक भी छक्के के साथ पूरा किया। लेकिन इसके बाद उन्होंने गेंदबाजों की अच्छी खासी पिटाई करने और भी ज्यादा प्रारंभ कर दी, जहां पर रविंद्र जडेजा ने अपना पहला 50 रन 15 गेंदों पर पूरा किया, तो वहीं दूसरे 50 रन 13 गेंदों पर पूरे किए और अगले 50 रन को पूरे करने में उन्होंने मात्र 8 गेंदों का इस्तेमाल किया, जहां पर उन्होंने एक ओवर में 5 छक्के और एक चौके के साथ 34 रन बटोरे। तो वहीं अपना विकेट भी उन्होंने LBW आउट होकर दे दिया। उनके इस प्रदर्शन को देखकर टीम मैनेजमेंट खुश हुआ और ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद करने लगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा अगले मुकाबले में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे कि नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।